नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको तिरपाल बनाने की फैक्ट्री के सेटअप के बारे में बताना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार तिरपाल बनाने की फैक्ट्री, प्लास्टिक के तिरपाल बनाने की फैक्ट्री किस प्रकार से लगानी चाहिए जिससे कि आपकी वर्किंग अच्छी बनी रहे। मेरे एक क्लाइंट ने एक साइट किराए पर ली है जो कि ईस्ट फेसिंग है और उसमें तिरपाल बनाने की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। मैंने उनको तिरपाल लगाने का सेटअप किस प्रकार से बताया है, आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा। आपकी अपनी तिरपाल बनाने की फैक्ट्री है और आपकी तिरपाल बनाने की फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है जिसकी वजह से आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और विचार कीजिए। मैंने अपने YouTube चैनल पर 450 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये एक जगह क्लाइंट ने किराए पे ली है जो कि ईस्ट फेसिंग है। साउथ ईस्ट जोन में लगा हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। एंट्रेंस भी दोनों बहुत ही अच्छी है। स्टेयर से ऊपर चढ़ते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं और स्टेयर से नीचे जाते हैं तो बेसमेंट में चले जाते हैं। मैंने उनको जो सेटअप बताया है कि बेसमेंट के अंदर दाना बनाने का सेटअप बताया है, ग्राउंड फ्लोर पर मशीनें लगाने का और फर्स्ट फ्लोर पर भी मशीनें लगाने का। लेकिन विचार अभी जो है, ग्राउंड फ्लोर पर मशीनें लगा के वहीं पर अपना रॉ मटेरियल रखना है और वहीं पर अपना तैयार माल रखना है, फर्स्ट फ्लोर अभी खाली रखेंगे। जैसे वर्किंग प्लस होगी उसके बाद मशीनें और लेके आएंगे और जिसे फर्स्ट फ्लोर पर रखकर इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे गेट से एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही यहाँ से नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता है। सबसे पहले मैं आपको बेसमेंट के बारे में बताऊंगा। यहाँ से बेसमेंट में सीधे नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद यहीं पर इस जोन में बोरवेल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बोरवेल सबमर्सिबल, जो कि एज पर वास्तु बिल्कुल सही है। इन्होंने मेरे को जगह दिखाई थी, मैंने जगह पास कर दी और इसके अंदर मशीनों का सेटअप कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताया, जो मैं अब अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। बेसमेंट में नीचे यहाँ पर सबमर्सिबल लगा हुआ है। लिफ्ट के लिए स्पेस, यहाँ पर लिफ्ट के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है जो कि लिफ्ट लगी हुई नहीं है। बाकी का पूरा कंप्लीट एक हॉल है। इसमें दाना बनाने का, वेस्ट मटेरियल से दाना बनाने का सेटअप चालू करना है। तो मैंने जो सेटअप बताया है, जो वेस्ट मटेरियल आता है, वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट जोन में, इसमें अपना रॉ मटेरियल, यहाँ पर रॉ मटेरियल रखने के लिए बताया है। यहाँ पे आपका अपना रॉ मटेरियल आ गया, क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल आता है वो बोरो में आता है, यहाँ पर आपका बोरो में रॉ मटेरियल रखा जाएगा। आपके यहाँ कटर भी लगाए जाते हैं जिससे कि जो वेस्ट होती है वो कटिंग होके छोटे टुकड़ों में बन जाए। वो कटर आपने कहाँ लगाने हैं? एक कटर आपका यहाँ आ जाएगा, एक कटर आपका अपना यहाँ आ जाएगा, जिससे कि जो माल यहाँ पर आया वो खुलेगा, यहाँ पर इनमें कटिंग होगा और इनके सामने एक टब रखा जाएगा और उस टब में वो रॉ मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद एक मिक्सचर लगाया जाता है, वो मिक्सचर आपने अपना साउथ साउथ वेस्ट जोन में लगाना है। वो मिक्सचर आप साउथ ईस्ट जोन में यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दाना बनाने के लिए मशीन लगाई जाती है, वो मशीन आपकी यहाँ पर लग जाएगी क्योंकि मशीन की लंबाई होती है और यहाँ पर इसमें अपना
दाना डाला जाएगा, जिससे कि इस मशीन से होता हुआ पानी के टैंक से होता हुआ यहाँ पर एक पानी का टैंक आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पर एक कटर लग जाता है और यहाँ पर एक टब रख दिया जाता है जिसमें ये दाना कटिंग होकर इसके अंदर टब के अंदर इकट्ठा होता रहता है। शुरू में एक ही मशीन लगानी है उन्होंने, तो इसलिए पहली मशीन जो लगानी है वो सब जोन में ही लगानी है, जिससे कि मशीन बहुत बढ़िया चले। क्योंकि जब ये मशीन चलती है तो ये मशीन बहुत गर्म होती है, मिक्सचर के अंदर भी जब माल गर्म किया जाता है तो मिक्सचर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मिक्सचर को आप यहाँ साउथ साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, साउथ में भी रख सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारी बड़ी मशीन है, दाना बनाने वाली जो मशीन है, क्योंकि ये मशीनें लंबी होती है तो इसको हम साउथ में लगाएंगे, तो इससे भी हमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपकी मशीन कभी भी बंद नहीं होगी, मतलब आपके पास हमेशा ही काम रहेगा, रॉ मटेरियल भी प्रॉपर आता रहेगा और आपका दाना भी प्रॉपर तरीके से बनता रहेगा। यहाँ पर आपका अपना दाना बन गया। जो दाना अपना तैयार हुआ वो दाना कट्टों में पैक करके, बैग में पैक करके यहाँ इस जगह भी रख सकते हैं, और सबसे अच्छी जगह है यहाँ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वो दाना आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये मैंने आपको सेटअप बताया है बेसमेंट का, बेसमेंट में इस प्रकार से आप अपना सेटअप कर सकते हैं। अब मैं आपको ग्राउंड फ्लोर के बारे में बताऊँगा कि ग्राउंड फ्लोर में मशीनों का सेटअप कैसे करना है, क्योंकि आपने तिरपाल बनाने की मशीनें लगानी हैं तो, क्योंकि वो काम आपका फैलावट का है और ज़्यादा मशीनें नहीं लगती, जैसा स्पेस होता है उसके हिसाब से मशीनें लगाई जाती है। आज पहले आपने दो मशीनें तिरपाल बनाने के लिए लगानी है, प्लास्टिक की तिरपाल बनाने के लिए लगानी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बेसमेंट में जाने का रास्ता ये है, और यहाँ से आप ग्राउंड फ्लोर पर ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से हॉल के अंदर एंट्रेंस हो जाती है और एक एंट्रेंस आपकी यहाँ से बनती है। आपने अपने यहाँ पर ऑफिस कहाँ बनाना है, वो ऑफिस आपने अपने यहाँ पर नॉर्थ जोन में बनाना है, जिसकी एंट्रेंस यहाँ से रहेगी। सीटिंग कैसे करनी है, सीटिंग आपकी वेस्ट वॉल के साथ, सिंगल पर्सन ने बैठना है तो सिंगल और डबल ने बैठना है तो डबल। यहाँ पर बीच में आपके अपनी टेबल आ जाएगी और सामने आपके अपने विजिटर आ जाएंगे। आपने अपने ऑफिस के अंदर मंदिर लगाना है तो वो मंदिर ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट जोन में लगा सकते हैं। आपके यहाँ जो बेसमेंट में दाना तैयार होता है वो दाना आपका मशीनों में यूज़ करने के लिए आ जाता है। आपने अपने यहाँ पर जो मिक्सचर लगाना है वो मिक्सचर आप यहाँ पर साउथ साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। पहली मशीन जो लगानी है आपने, वो मशीन आपकी यहाँ पर ऐसे लगेगी, ये आपके यहाँ पर गोल सर्कल बनेगा, जिससे कि आपकी तिरपाल बैलून बन के ऊपर उठेगी। यहाँ से बैलून बन के तिरपाल ऊपर उठेगी तो वो तिरपाल आपकी यहाँ पर डलती रहेगी, जिसे आपके लड़के फोल्ड करके बंडल बनाएंगे। दूसरी मशीन जो लगानी है वो दूसरी मशीन भी आपकी अपनी इसी प्रकार से आएगी, यहाँ पर आपका अपना फ्रेम बन जाएगा और यहाँ पर आपके अपना बैलून बनाने वाली मशीन आ जाएगी, यहाँ से बैलून बनेगा और ये तिरपाल आपकी सेम प्रोसेस में यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर आपका जो लड़के, आपका जो स्टाफ है, वो तिरपाल के बंडल बनाकर इकट्ठे करेगा। जब यहाँ पर तिरपाल के बंडल इकट्ठे हो जाते हैं तो वो तैयार माल आपने कहाँ रखना है, क्योंकि ये माल आपका तैयार हो जाता है, वो तैयार माल आपने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट जोन में यहाँ पर फिनिश गुड्स रखने हैं, तैयार माल रखना है। यहाँ पर आपने फिनिश गुड्स रखने हैं। यहाँ पर आपका जो बेसमेंट में दाना तैयार होता है वो दाना आपका अपना यहाँ पर भी आ जाएगा इस जोन में, और आप वो दाना यहाँ पर भी रख सकते हैं। आपके यहाँ एयर कंप्रेशर भी लगाया जाता है, वो एयर कंप्रेशर आपने रखना है तो यहाँ बीच में इस जगह भी एयर कंप्रेशर रख सकते हैं, और आप अपना एयर कंप्रेशर यहाँ पर भी रख सकते हैं, और एयर कंप्रेशर आप अपना बाहर भी साउथ ईस्ट जोन में भी ऊपर रख सकते हैं। ये तीनों दिशाएं एयर कंप्रेशर के लिए बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, जब एयर कंप्रेशर आप साउथ जोन में रखते हैं तो एयर कंप्रेशर आपका ब्लू कलर का, ग्रे कलर का नहीं होना चाहिए। ब्लू कलर का या ग्रे कलर का एयर कंप्रेशर होगा तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी मशीनें प्रॉपर नहीं चलेगी, जो माल आपका प्रॉपर निकलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं निकलेगा। तो इसलिए इन खास बातों का जरूर ध्यान रखना है। इसी के साथ जो आपका मिक्सचर होता है, मिक्सचर यदि ब्लू कलर का है, क्योंकि मिक्सचर ज़्यादातर जो देखने में आते हैं ब्लू कलर के, ग्रे कलर के,
देखने में आते हैं, क्रीम कलर के, रेड ऑक्साइड कलर के भी आते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पे क्रीम कलर का मिक्सचर रखेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, हमेशा मिक्सचर आपका प्रॉपर तरीके से चलेगा और वर्किंग प्रॉपर ही अच्छी रहेगी। मैंने आपको तिरपाल बनाने की फैक्ट्री के बारे में बताया कि वास्तुशास्त्र के अनुसार तिरपाल बनाने की फैक्ट्री किस प्रकार से लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी वर्किंग हमेशा ही अच्छी रहे, काम हमेशा ही अच्छा चलता रहे। और हर व्यक्ति यही सोचता है जब कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री लगाता है तो उसकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चले। किसी भी व्यक्ति की कोई भी प्लानिंग कमज़ोर नहीं होती। जब फेल हो जाते हैं तो अपनी किस्मत को रोते हैं कि वो बात है मेरी किस्मत में फेल होना लिखा था। वो ये नहीं समझते कि उनकी मशीनों का सेटअप कैसा है। मशीनों का सेटअप सही दिशा में आपकी मशीनें लगी हुई हो तो वहाँ पर मशीनें हमेशा ही अच्छी चलती है, वो मशीनें कभी भी बंद नहीं होती, हमेशा उन मशीनों पर काम आता रहता है और काम प्रॉपर तरीके से होता रहता है। उस फैक्ट्री के मालिक को कभी भी कोई भी बात सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो व्यक्ति हमेशा ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। मैं हमेशा ही आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें अपनी वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, आपको कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को आप अपने फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और आप हमें साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। आप अपनी नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं और इसी के साथ आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो इसे भी मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी। आप हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। ये सभी सेवाएँ हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।